सो हाय गाइस, माइसेल गोब्स। तो आज हम देखने वाले जो होंडा की CB350 बाइक है, एज यू नो दिस इज न्यू लॉन्च्ड बाइक December 2023, एंड ये जो हमारे 2024 का मॉडल है। तो ये बाइक आपके कम्प्लीटली रेट्रो लुक के अंदर है, यानी कन्वेंशनल लुक के अंदर ही आपको बाइक देखने को मिलती है। एंड द बाइक इज सिमिलरली एज लाइक अ रॉयल एनफील्ड की जो बाइक होती है, वो टाइप की आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS अलोंग विद स्लीपर असिस्टेंट, क्लच मिल जाता है, एंड इट ऑल्सो है द ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स मिल जाता है। एंड होंडा को आपको पता ही है, इसका इंजन होता है कम्प्लीटली रिफाइंड इंजन होता है। इट्स कम विद द 5-speed गियर बॉक्स। तो इसके अंदर पावर आपको मिलता है 15.5 का, एंड जिसके अंदर टॉर्क आपको मिलेगा इस 29.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब एक बार हम व्हीकल को क्लोजली देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसके अंदर जो इसका क्लोजली लुक किस टाइप का है, एंड हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे एंड ऑल्सो शेयर यू द एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट ड्राइव। सो व्हाट यू जस्ट केम टू नो, इसके अंदर जो पूरी जो आपकी लाइट्स है सब है, हैलोजन नहीं मिलती एंड कम्प्लीटली आपको LED मिलती है। सो ये जो लाइट है अच्छी मिल जाती है, सारी की सारी लाइट्स आपको LED मिलेगी। यू कैन जस्ट सी दिस आर द अपर एंड डीपर एंड दिस आर द लाइट्स, एंड ये जो पूरी बॉडी है इस कम्प्लीटली जो मेटल, यू कैन जस्ट सी यहाँ से पूरा मेटल आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे तो उसकी थोड़ी थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप देखोगे ये बहुत प्रीटी लगता है ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, एंड ये जो पार्ट भी आपका कम्प्लीटली मेटल के अंदर मिल जाता है। एंड जो व्हील है हमारे, दे आर एलॉय व्हील, यू कैन जस्ट सी दे आर द 19-inch एलॉय व्हील आपको मिलते हैं। एंड जो टायर के आपके रेशियो है RR 190 के जो टायर के रेशियो मिल जाते हैं। आगे पीछे आपको ABS मिल जाती है, एंड आगे की जब आप डिस्क ब्रेक देखोगे दिस आर द 310mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और जो इसका लुक है क्वाइट डैशिंग है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इंजन देखेंगे, इंजन का लुक है पूरा क्लासी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सिल्वर यूज हुआ है एंड यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, एंड जो इंजन है कम्प्लीटली ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर है। एंड फ्यूल टैंक भी आपको बहुत लार्ज देखने को मिलता है। अलोंग विद दिस यहाँ पे आपको रबर की फिनिशिंग मिलती है, एंड दिस इज द होंडा का जो लोगो है बहुत प्यारा लग रहा है इसके अंदर। दिस आर द मिरर्स, हम थोड़ी देर में आते हैं। एंड पीछे की तरफ आप आओगे सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CB350 का लोगो हेयर, एंड द बाइक हैज़ क्वाइट गुड मफलर। आप जो साइलेंसर की डिज़ाइन देखोगे यहाँ से लेके पूरे एंड तक के है, एंड देर जो रियर का लुक है इस क्वाइट प्रीटी, पूरा डैशिंग है, पूरा मेटल बॉडी मिलता है। एंड जो इसकी सीट भी है बहुत लंबी है, एंड स्प्लिट सीट आपको इसमें देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। आगे एंड पीछे आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, अलोंग विद पीछे भी आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। यू कैन जस्ट सी उसकी डिजाइनिंग कम्प्लीटली डैशिंग ये आपको मिल जाती है, एंड लेग गार्ड मिल जाता है। तो सपोज कोई भी पीछे बैठता है तो इतना कुछ आपको इशू देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो इंजन है पूरा इंजन के ऊपर गेयरबॉक्स है, एंड गेयरबॉक्स के अंदर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज किया है ब्लैक एंड सिल्वर का। तो यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाएगा एंड सिल्वर फिनिशिंग आ जाएगा, एंड पूरा इसमें लुक अच्छा देखने को मिल जाता है। 5-speed की गेयरबॉक्स है, एंड चेक भी हम करेंगे कि फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर एंड थर्ड गियर के अंदर इसकी टॉप स्पीड क्या देखने को मिलती है, एंड इंजन भी आपको रिफाइन है कि नहीं है। यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया हुआ है ऑफ द डिजिटल एंड एनालॉग का। इसमें आपको बता देगा कि आपकी जो व्हीकल है इस लाइक इन न्यूट्रल है, गियर में है, ट्रिप, ऑडोमीटर्स, टॉप स्पीड, फिर यू कैन जस्ट सी द एनालॉग सिस्टम। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा, इसके अंदर आप जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्न है, एंड यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो स्विचेस भी दिए गए हुए, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ये देखोगे आप इसका पूरा बार है, सो इसका हैंडल बार बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंड यू कैन जस्ट सी दिस इज द मिरर, राउंड आपको मिरर मिल जाते हैं स्टडी लुक में।
एंड स्विचेस आप देखोगे तो ये रही स्विच, आप यहाँ से पूरी MID कंट्रोल कर सकते हो। इफ आई जस्ट डू समथिंग हियर, पूरी स्विच ऑन एंड ऑफ होती है। ऑन, दिस आर साइलेंट इंडिकेटर्स, एंड इसके अंदर आपको हजार लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। ये साइलेंट इंडिकेटर्स है एंड यहाँ पर आपको प्लस स्विच मिलेगी एंड ये आपकी हजार लाइट है। व्हेन यू जस्ट प्रेस इट, पूरी की पूरी जो लाइट्स है आपके ऑन हो जाएगी। नाउ यू कैन जस्ट सी, हम व्हीकल के ऊपर बैठे हैं एंड कुछ इस टाइप का आपको इसमें पोजीशन मिल जाता है। जो एंगल है हमारा, यहाँ से प्रॉपर पोस्चर बन रहा है एंड इट्स ऑल्सो फील क्वाइट गुड। हम लोग हेलमेट पहनेंगे इसके, फिर इसके अंदर राइड लेंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ जिसके आपको साउंड कैसे मिल जाती है। Let's wear the helmet and then take the tester of the bike. First gear के अंदर top speed check करते हैं। Braking अच्छी है इसकी। सुना हो गाइस, अब हम इसको ऐसी हाईवे चला रहे तो आप देख सकते हो जो पूरा रोड है वो पूरा क्लीन मिल जाता है। तो अब हम इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं एंड इसकी ऑल्सो स्टेबिलिटी देख सकते हैं कि ये हमारे हाईवे के ऊपर कैसे चलती है। बाजू में से बस आ रही है, आगे कार है, देन ऑल्सो इसको चलाने की मज़ा आ रही है। एक नॉर्मल आप स्पोर्ट बाइक चलाते हैं एंड एक आप बुलेट या फिर होंडा जो चलाते हो, पूरी मेटल बॉडी, उसके अंदर आपको फील गजब की मिलती है। माना कि इसके अंदर आपको फाइव स्पीड गियर बॉक्स मिलते, फिर भी इसको चलाने की मज़ा अलग ही है। लगे इसको नॉर्मली हम कट करके निकल रहे हैं कार को एंड आराम से ये कट करके निकल जाती है बाइक आपके। एंड आप जब इसको चलाओगे तो आपको वाइब्स अलग आने वाली है, एकदम रॉयल वाइब्स आने वाली है इसमें। नाउ अब हम थोड़ी लेफ्ट साइड जाएंगे एंड चेक करेंगे इसका सस्पेंशन भी। यहाँ पे हल्का सा गड्ढा है, थोड़ा भारी, फिर भी इसने आराम से इसको क्रॉस कर लिया। इतना सारा जर्क हमको देखने को नहीं मिला, दैट्स द गुड थिंग आई जस्ट फाउंड। हम लोग दो जन बैठे हुए फिर भी, एंड ये थोड़ा सर्विस रोड है एंड ये तो थोड़ा आपको खड़बड़ा देखने को मिलेगा, फिर भी ये प्रॉपरली इस पे से जा रही है। एंड ये वाला थोड़ा सैंडी रोड है, फिर भी आराम से इसको क्रॉस कर लिया इसने, दैट्स द गुड थिंग। एंड हम ट्रैफिक के अंदर रुके एंड इसकी जो साउंड है एग्जॉस्ट वो अच्छी है, तो थोड़ा पीपल भी आपको नोटिस करने वाले हैं। अब हमें पूरा एक ब्लैंक रोड मिल गया है, तो अब हम इसको टॉप स्पीड भगाएंगे एंड चेक करेंगे इसकी जो टॉप स्पीड है इन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर एंड थर्ड गियर। एंड देख सकते हो लाइक हमने थोड़ा एक्सेलरेट दिया एंड व्हीकल अपनी टॉप स्पीड पहुँच गई है इन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, यानी थोड़ा टाइम के अंदर इसने अपनी टॉप स्पीड पा ली है एंड मज़ा आ रहा है इसको चलाने के अंदर। कम्प्लीटली लाइक अ रॉकेट इट इज़, बट आफ्टर द 100 जिसकी स्पीड है थोड़ी क्रैविंग करने लगती है। मतलब 100 से अगर आपको ऊपर 120 के वहाँ पे जाना है तो इट टेक सम ऑफ लिटिल बिट टाइम। बाकी ऐसे इसका पिकअप एंड वो सब आपको कम्प्लीट अच्छा मिलेगा, 60 तक आराम से फटाफट पहुँच जाती है ये, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी मूव बैक and share you my review. हमने इसको चलाया तो इंजन आपको थोड़ा रिफाइन मिलता है एज कम्पेयर टू द बुलेट है, उससे थोड़ा इंजन आपको अच्छा मिलेगा। एंड हमने इसकी टॉप स्पीड भी चेक की, तो फर्स्ट गियर के अंदर इसके अंदर आपको टॉप स्पीड मिलती है 50 की, सेकेंड में 80 की मिल जाती है एंड थर्ड गियर के अंदर 105 के अराउंड आपको टॉप स्पीड मिलेगी। एंड इसका इंजन आपको अच्छा है, सपोज मैंने भी बुलेट चलाई है अप्रोक्सीमेटली 100 की स्पीड पे, वो थोड़ी टॉर्की फील होती है, बट ये इतनी टॉर्की फील नहीं होती एंड चलाने भी आपको मज़ा आएगा। एक बार आप इसको टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा कि जब आप चलाओगे तो इसका ये जो पार्ट है ना क्वाइट थिक है एंड इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है पूरा मेटल के अंदर है। ये की बात करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर आपको दो मॉडल मिल जाते हैं, एक CB350 DLX मिलेगा एंड एक CB350 DLX प्रो मिल जाता है। तो दोनों में थोड़ा वेरिएशन यही आता है कि लाइक ब्लूटूथ क्या है। तो जो आपको DLX वाला मॉडल मिलेगा उसकी प्राइस होगी 2,15,000 एक्स शोरूम, एंड जो प्रो मॉडल है उसकी प्राइस है आपकी 2,18,000 एक्स शोरूम। अब
ऑन रोड की बात करेंगे हम, सपोज आप अहमदाबाद के अंदर रहते हो तो ऑन रोड के अंदर आपको फुल प्राइस मिल जाती है अराउंड 2,52,000 एंड जो प्रो वाला मॉडल है वो आपको मिलेगा 2,56,000 के अंदर। तो आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तब तक के मिल जाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।